जय हिंद दोस्तों, मैं इमरान सैफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बनने वाला गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक बनाया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेरठ जिले की, तो मेरठ जिले के 9 गांव इस एक्सप्रेसवे में शामिल किए गए हैं। और 9 गांव का जो मेरठ के जिला अधिकारी है या एडीएम साहब है, जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, और उन्होंने अब तक इस एक्सप्रेसवे के 9 गांव की जो जमीन है वो 90% बेनामे फाइनल कर ले गए हैं। 10% अभी बेनामे वो रह गए हैं, जिनकी आपसी प्रॉब्लम है या वो किसान जो सर्किलेटों को लेकर अभी तक बेनामा नहीं करा रहे हैं। दोस्तों आज की एक रिपोर्ट आई है, इसमें क्या लिखा हुआ है उसके बारे में पहले मैं आपको पढ़कर बताता हूं। गंगा एक्सप्रेसवे गांव में सर्वे पूरा, अब बची जमीन का होगा अधिकरण। हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिन किसान भाइयों ने अभी तक बैनामा नहीं किया है, अब उनका अधिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी, क्योंकि नवंबर के माह में इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी इस जो पारदर्शिता के अधिकार को लेकर परियोजना से प्रभावित जनपद के 8 गांव में सर्वे कराकर रिपोर्ट तैयार की गई है। और अब इन 8 गांव में से लोक सुनवाई पर आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, साथ ही अधिकरण की प्रक्रिया को शुरू कर बची जमीन का अधिकरण कार्य पूरा किया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के किनारे के गांव पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर एसी एजेंसी द्वारा सर्वे कराया गया था। सर्वे पर एजेंसी ने सामाजिक समाधान आकलन रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। अब जनपद के 8 गांव में विभिन्न बिंदुओं पर आपत्ति व सुझाव प्राप्त करने के लिए लोक सुनवाई शुरू की जाएगी। लोक सुनवाई के दौरान नामित एसडीएम ग्रामीणों के साथ सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट को पढ़कर सुनाएंगे, साथ ही ग्रामीणों की आपत्ति व सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे। मौके पर ही आपत्तियों के निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। और इन गांवों को आमंत्रित करने के लिए 21 अक्टूबर को एक मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सभी किसानों को आमंत्रित है और सभी गांव के अंदर अधिकारी जाएंगे और सभी किसानों से मशवरा और इस पर जो राय है वो लेंगे, और उन किसानों से भी खास बातचीत की जाएगी जिन किसानों ने अभी बैनामे नहीं किए हैं। दोस्तों किस तरह से इनका शेड्यूल बनाया गया है मैं आपको वो भी बता देता हूं। गांव में लोक सुनवाई के लिए कार्यक्रम तय किया गया है। 21 अक्टूबर को गांव बधोली, गोविंदपुरी व खड़कड़ी गांव के प्राथमिक विद्यालय में सुबह 11 बजे एसडीएम सदर संदीप भागिया जी की अध्यक्ष में लोक सुनवाई होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे गांव बिजोली, भगवानपुर, अतराड़ा, अटोला, साफियाबाद, लोडी के गांव की लोक सुनवाई एसके एकेडमी गांव बिजोली में होगी। यह ग्रामीण एक्सप्रेसवे की परियोजनाओं को लेकर अपने सुझाव या आपत्ति अधिकारियों के संपर्क दर्ज करेंगे। सीर ही होगा 10% जमीन का अधिकरण। जनपद के 8 गांव में 546 किसानों से 181 हेक्टेयर जमीन खरीदी जानी है। इसके एवज में 275,85,92,937 करोड़ रुपए दिए जाने हैं। अभी तक 90% जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, जबकि लगभग 12 हेक्टेयर जमीन पर किसानों में आपस में विवाद है। शीघ्र ही 10 हेक्टेयर जमीन, 10% जो बचा है उसका भी अधिग्रहण किया जाएगा। 21 अक्टूबर को सभी किसान अपने घरों पर रहे और ज्यादा से ज्यादा बिजोली के अंदर एसके एकेडमी में जाने का प्रयास करें। वहां पर ही आपकी मीटिंग की जाएगी और वहां पर ही आपका जो निस्तारण है, आपकी जो सुझाव है वो भी आपको देने हैं। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत